सभी भक्त जनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 11वें श्लोक पर प्रवचन सुनाने जा रहा हूँ। संजय कहते हैं, संजय उवाच, दिव्य माल अंबर धरम दिव्य गंध अनुलेपनम सर्वाश्चर्यमयम देवम अनंतम विश्वतो मुखम। अर्थात वह जो विराट स्वरूप है परमात्मा का, उसने दिव्य माला और दिव्य वस्त्र धारण कर रखे हैं और उनके शरीर से दिव्य गंध की खुशबू आ रही है जो उसमें लेपा हुआ है, और बहुत आश्चर्य से इसे देखा जा सकता है। ये देव अनंत हैं, इनके मुख पूरे विश्व में सभी जगह विद्यमान है। तो यहाँ पर संजय विराट रूप का वर्णन कर रहे हैं और वर्णन करके यह बता रहे हैं कि जो माला उस विराट रूप ने पहन रखी है वह दिव्य है। दिव्य का अर्थ अलौकिक है। अलौकिक का अर्थ हो गया कि ऐसी माला है जो बहुत सुंदर है, जिसे हम इन प्राकृतिक आँखों से तो नहीं देख सकते, जो माला टूटेगी नहीं, फूटेगी नहीं, जो माला तेजोमय है, जो माला विद्यमान ही रहेगी, और वैसी अनोखी माला और कहीं नहीं हो सकती। उसी तरह से ये कह रहे हैं कि उनके वस्त्र भी बहुत बहुत दिव्य हैं जो उन्होंने धारण कर रखे हैं, यानी उसके रंग सारे विलक्षण हैं जिसे इन प्राकृतिक आँखों से नहीं देख सकते। वे तेजोमय हैं, वे कभी फटने चिटने वाले वस्त्र नहीं हैं, पुराने होने वाले वस्त्र नहीं हैं। और ऐसे वस्त्र हैं जिसे किसी कारीगर ने नहीं बनाया है। तो यह माला किसी माली ने नहीं बनाया और यह वस्त्र किसी दर्जी ने नहीं सिले हैं, किसी कारीगर ने नहीं बनाया। ये तो दिव्य हैं, अर्थात स्वयं ईश्वर की प्रेरणा से हैं। उसी तरह से दिव्य गंध की बात उन्होंने की है। तो ये दिव्य गंध क्या है? वे गंध जो हमें इन सामान्य नथनों से जो प्राप्त होता है और हमारे मस्तिष्क में जाता है, उस तरह का गंध वो नहीं है। इसे हम प्राकृतिक नाक से नहीं सूंघ सकते, हमारा मस्तिष्क से नहीं सूंघ सकता। इसे तो दिव्य इंद्रियों से हम देख सकते हैं, दिव्य नासिका पुटों से और मस्तिष्क के दिव्य हिस्सों से, यानी जो अलौकिक हैं, जो अप्राकृतिक हैं, ऐसे हिस्से से हम इस गंध को महसूस कर सकते हैं। इसकी गंध विलक्षण है। विलक्षण का अर्थ यह अभी हो गया कि उसमें
जितने प्रकार की गंधें होती हैं जो आप जानते हैं, इतनी गंधें हैं, इसके अलावा भी और गंध हैं जो इन सब गंधों से बहुत बेहतरीन है। और ऐसा इसलिए, ये सब सब जो यहाँ बताया जा रहा है, वास्तव में ये योग की स्थिति होती है। जब व्यक्ति समाधि में होता है तो इस तरह की गंधें उसे महसूस होती हैं। इसी तरह के वस्त्र भी दिखते हैं, इसी तरह के मालाएं भी दिखती हैं, जबकि उनकी भौतिक उपस्थिति ऐसी कुछ नहीं होती है, परंतु वे कल्पना की भी नहीं होती है। यह नहीं कि मन ने उसे गढ़ लिया, वो मन के बाहर की चीज होती है, अपने आप पूरा शरीर सुवासित हो जाता है, इसीलिए इसे दिव्य गंध कहते हैं। और इन दिव्य गंधों को, दिव्य मालाओं को, दिव्य वस्त्रों को बहुत आश्चर्य से देखा जाता है। यहाँ पर तो बता रहे हैं कि अर्जुन बहुत आश्चर्य से देख रहा है, लेकिन हर योगी आश्चर्य से देखता है साधना की उस गूढ़ अवस्था में। और इसीलिए आश्चर्य है, क्योंकि बिना गंध का गंध महसूस होता है, कोई चीज़ है नहीं, फूल है नहीं, और गंध महसूस हो रहा है। उसी तरह से कई तरह से चारों ओर से पूरे विश्व में उनके मुंह दिखते हैं, यानी यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं। तो पूरे विश्व में हर जगह उनके मुख ही मुख हैं। कहने का मतलब है कि आप इन मुखों में से किसी में से प्रवेश कर सकते हैं, और ये जो मुख हैं इसमें आप प्रवेश करते हैं तो फिर आप और अलौकिक अवस्था में प्रवेश करते हैं। और यदि आप सिर्फ देखते हैं तो वह तो अपने आप में अलौकिक है ही, परंतु यदि उसमें प्रवेश करते हैं तो वह और अलौकिक हो जाएगा। विश्व का अर्थ है सब और, सब जगह, सब चीज। और फिर यहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे देव जो हैं वो अनंत हैं। यानी देव किसे कहते हैं? जो प्रकाशमय है, किरणमय है। और ये प्रकाश का अर्थ है भौतिक प्रकाश नहीं, बल्कि बिना इस भौतिक प्रकाश के जो रोशनी होती, यानी इसका जो आदि स्रोत है, और वो ऐसा प्रकाश है जिससे कि आप सिर्फ वस्तु के स्वरूप को ही नहीं देखते हैं, बल्कि उस वस्तु के हर चीज़ के विषय में आपको पता चल जाता है। वह प्रकाश आध्यात्मिक प्रकाश, या जो सामान्य प्रकाश है, इससे तो सिर्फ हम उसके रूप रंग को देख पाते हैं, आकार प्रकार को देख पाते हैं, और वह भी सिर्फ बाहरी, भीतरी नहीं। लेकिन यह जो देव है, ये देव है, ये ऐसा प्रकाश है कि आप उसके विषय में हर चीज़ जान जाते हैं। तो हर चीज़ जो जान जाना है उस तरह का प्रकाश है वह, जो आपको हर तरह की सूचना उसके विषय में दे देता है, हर तरह का ज्ञान दे देता है, तो वह देव है। और ऐसा देव क्या है? अनंत है। ये अनंत ही ऐसा कर सकता है, इस तरह का ज्ञान सिर्फ अनंत से ही संभव है। तो इस तरह के गंध, इस तरह के वस्त्र, इस तरह की मालाएं, इस तरह चारों ओर से मुख सिर्फ अनंत का ही हो सकता है। यही यहाँ पर संजय का मंतव्य है, गीता का यही संदेश है। ओम हरि।